नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं YouTube चैनल स्वाइपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले दुरंतो एक्सप्रेस की ट्रेन सीरीज में एपिसोड नंबर 5 में नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक ही वीडियो में डिटेल के साथ मिलने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस चैनल पर नए और इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी और उपराजधानी के चलने वाली ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। 24 नवंबर 2009 से इस ट्रेन को शुरू किया गया था रेलवे बजट 2009 में। दोस्तों ये भारत की पहली दुरंतो एक्सप्रेस थी जो अपने रूट में कोई भी हॉल्ट्स नहीं लेती थी। ये ट्रेन अपने शुरुआती दिनों में नागपुर से मुंबई नॉनस्टॉप चलती थी, बस भुसावल जंक्शन में टेक्निकल हॉल्ट शुरू किया गया था इस ट्रेन का। दोस्तों इस एक ही दुरंतो एक्सप्रेस से अभी तक मैं सफर कर चुका हूँ। आपको फुल ट्रेन जर्नी नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस की हमारे चैनल पर ट्रेन जर्नी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों 12289 डाउन और 12290 अप इस ट्रेन का नंबर है। नागपुर से मुंबई ये दुरंतो एक्सप्रेस काफी डिमांडिंग ट्रेन है। ये ट्रेन दोनों रेलवे स्टेशन से डेली चलती है और दोनों रेलवे स्टेशन से डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन तक फुल वेटिंग में रहती है हर दिन। ये दुरंतो एक्सप्रेस नागपुर से मुंबई 833 किलोमीटर का डिस्टेंस 11 घंटे 25 मिनट में 3 हॉर्स लेकर तय करती है और मुंबई से नागपुर सिर्फ 11 घंटे 5 मिनट में 3 हॉर्स लेकर ये ट्रेन अपनी जर्नी तय करती है। ट्रेन की जर्नी दोनों रेलवे स्टेशन से नाइट में शुरू होकर अर्ली मॉर्निंग में एंड होती है। दोस्तों नागपुर से मुंबई रूट की ये सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है। शुरुआती दिनों में ट्रेन का भुसावल जंक्शन पर टेक्निकल हॉल्ट होता था लोको चेंज और क्रू चेंज के लिए, बट टाइम के साथ साथ भुसावल जंक्शन में भी ट्रेन का कमर्शियल हॉल्ट कर दिया गया था। वही बैंकर्स इंजिन के लिए कसरा और इगतपुरी में भी 5 मिनट का टेक्निकल हॉल्ट दिया गया था इस ट्रेन का, और 1 जनवरी 2016 से टेक्निकल हॉल्ट को कमर्शियल हॉल्ट कर दिया गया है जैसे इगतपुरी रेलवे स्टेशन को। बट मार्च 2023 से इस ट्रेन का एक और कमर्शियल हॉल्ट दिया गया है, बडनेरा जंक्शन को भी एज कमर्शियल हॉल्ट कर दिया गया है इस ट्रेन का। दोस्तों इस दुरंतो एक्सप्रेस में आपको स्लीपर, AC 3 टायर, AC 2 टायर और AC 1 क्लास के कोच होते हैं और ये भारत की सेकंड स्लीपर कोच वाली दुरंतो एक्सप्रेस है। इस ट्रेन में 8 स्लीपर, 9 AC 3 टायर, 3 AC 2 टायर और 1 AC 1 क्लास का कोच होता है, जो ट्रेन में 2 AG को मिलाकर टोटल 23 कोच लगे होते हैं जो LHB रैक्स में आते हैं। दोस्तों 2019 से पहले इस ट्रेन में हाइब्रिड LHB या ICF रैक्स आते थे, बट 23 फरवरी 2019 से इस ट्रेन को फुल्ली LHB रैक्स में कन्वर्ट किया गया था। ट्रेन को ट्रैक्शन इंटायर जर्नी अजनी सेट का WAP 7 लोको देता है, बट पहले भुसावल सेट का WAP 4 लोको ट्रैक्शन देता था। इगतपुरी से मुंबई पहले WCM 2 या 2P या WCM 3 लोको ट्रैक्शन देते थे 6 जून 2015 तक, बट 2015 के बाद से इंटायर जर्नी इलेक्ट्रिक लोको इस ट्रेन को ट्रैक्शन देता है। सेंट्रल रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है और ये ट्रेन नागपुर जंक्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशन तक चलती है। दोस्तों 12290 दुरंतो एक्सप्रेस नागपुर जंक्शन से 8:40 PM को डिपार्ट होती है और एक नाइट के बाद मुंबई CSMT 8:05 AM को अराइव होती है। सिमिलरली 12289 दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई CSMT रेलवे स्टेशन से 8:15 PM को डिपार्ट होती है और एक नाइट के बाद नागपुर जंक्शन 7:20 AM को अराइव होती है। दोस्तों ट्रेन के हॉल्ट्स बडनेरा जंक्शन, भुसावल जंक्शन और इगतपुरी रेलवे स्टेशन होते हैं। ये ट्रेन महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट, जलगांव डिस्ट्रिक्ट और नासिक डिस्ट्रिक्ट के ही हॉल्ट्स लेती है और उन्हीं रेलवे स्टेशन को अपनी सर्विस देती है हॉल्ट के मामले में। और ओवरऑल देखा जाए तो नागपुर, अमरावती, जलगांव, नासिक और मुंबई जैसे डिस्ट्रिक्ट को ये ट्रेन कनेक्ट कराती है। दोस्तों ट्रेन के रूट में ट्रेन 146 रेलवे स्टेशन को स्किप करती है। ट्रेन का किराया नागपुर से मुंबई एक एडल का स्लीपर क्लास में 685 रूपए होता है, AC 3 टायर में 1890 रूपए होता है, AC 2 टायर में 2655 रूपए होता है और AC 1 क्लास का 3260 रूपए होता है। AC 1 क्लास में आपको 19 दिन पहले, AC 2 टायर में 13 दिन पहले, AC 3 टायर में 12 दिन पहले और स्लीपर में 26 दिन पहले रिजर्वेशन कराना होगा, तभी आपको कन्फर्म सीट मिलती है। दोस्तों ट्रेन की एवरेज स्पीड 75 KMPH तक होती है और मैक्स स्पीड 110 KMPH तक होती है और टॉप हाई स्पीड ट्रेन की बडनेरा से भुसावल 87 KMPH तक होती है। वही ट्रेन का लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रन भुसावल से इगतपुरी 3 घंटे 40 मिनट का होता है, जो ऑलमोस्ट काफी लंबा हॉल्ट होता है। दोस्तों ये दुरंतो एक्सप्रेस 17 ट्रेन को ओवरटेक करती है और 4 ट्रेन इस दुरंतो एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हैं अलग अलग दिन अलग अलग रेलवे स्टेशन पर। जैसे मंडूरा रेलवे स्टेशन पर दुरंतो एक्सप्रेस ट्यूजडे को 22124 अजनी पुणे AC सुपर फास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है, संडे को 22140 अजनी पुणे हमसफर एक्सप्रेस को भी ओवरटेक करती है और थर्सडे को 01190
0 अजनी पुणे स्पेशल फेयर एक्सप्रेस को भी दुरंत एक्सप्रेस ओवरटेक करती है। खामखेड़ रेलवे स्टेशन पर डेली 12834 हावड़ा अहमदाबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस को ये दुरंत एक्सप्रेस ओवरटेक करती है। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन अभी मैंने जो बताया है वो बडनेरा से भुसावल सेक्शन पर आता है। अब भुसावल से इगतपुरी सेक्शन पर तारसोड़ रेलवे स्टेशन पर डेली 13201 पटना मुंबई एलटीटी जनता एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है ये दुरंत एक्सप्रेस। नायाडुंगरी रेलवे स्टेशन पर थर्सडे को 01922 झांसी पुणे स्पेशल फेयर एक्सप्रेस को ओवरटेक करती अपनी दुरंत एक्सप्रेस। पिंपरखेड़ रेलवे स्टेशन पर डेली 11025 भुसावल पुणे एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है दुरंत एक्सप्रेस। पड़ाली रेलवे स्टेशन पर सैटरडे को 12154 रानी कमलावती मुंबई एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है दुरंत एक्सप्रेस। और इगतपुरी से मुंबई सीएसएमटी सेक्शन पर इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर सैटरडे को 12154 और रानी कमलावती मुंबई एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओवरटेक करती है इस दुरंत एक्सप्रेस को। कल्याण जंक्शन पर 22108 लातूर मुंबई सीएसएमटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे सैटरडे को ओवरटेक करती है। और 22144 बीदर मुंबई सीएसएमटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को संडे मंडे फ्राइडे को ओवरटेक करती है ये दुरंत एक्सप्रेस। और ठाकुरली रेलवे स्टेशन पर 22108 लातूर मुंबई सीएसएमटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे और सैटरडे को ओवरटेक करती है ये दुरंत एक्सप्रेस। कोपर रेलवे स्टेशन पर 22108 लातूर मुंबई सीएसएमटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे और सैटरडे को ओवरटेक करती है दुरंत एक्सप्रेस। दोस्तों विक्रोली रेलवे स्टेशन पर थर्सडे को 12146 पूरी एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को दुरंत एक्सप्रेस ओवरटेक करती है। वेंसडे को 12144 सुल्तानपुर एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है। और फ्राइडे को 18609 रांची एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है ये दुरंत एक्सप्रेस। दोस्तों ट्रेन को क्लीनलीनेस, पंक्चुअलिटी, टिकट अवेलेबिलिटी और रेल प्लानिंग में एक्सलेंट रेटिंग मिलती है और फूड एंड सेफ्टी में गुड रेटिंग मिलती है। ओवरऑल ट्रेन को 5 में से 4.4 की एक एक्सलेंट रेटिंग मिलती है। अब जानते हैं ट्रेन का टाइम टेबल। तो सबसे पहले ट्रेन नागपुर जंक्शन से 8:40 PM को प्लेटफॉर्म नंबर 8 से डिपार्ट होती है। ट्रेन का पहला हॉल्ट बडनेरा जंक्शन आता है जहाँ ट्रेन 10:48 PM को आती है और यह ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। दूसरा स्टॉप भुसावल जंक्शन आता है जहाँ ट्रेन 1:20 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पर आती है और यह ट्रेन 5 मिनट रुकती है। तीसरा हॉल्ट और लास्ट इगतपुरी आता है जो टेक्निकल हॉल्ट होता है। वहाँ पर ट्रेन 5:05 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पर आती है और यह ट्रेन 5 मिनट रुकती है। और लास्ट मुंबई सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन 8:05 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 18 पर आती है। तो दोस्तों ये रही नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन। अब आपको अगले हफ्ते मुंबई सेंट्रल हापा दुरंतो एक्सप्रेस की डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों उस वीडियो का वेट कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर नए और इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।